आज काफी मस्ती होगी। आप देख सकते हैं ये है आसपास की व्यू। चार पॉइंट में हमारे पे टाइम लगता है, एक घंटा रुकने का, एक जगह आएगा मीना बाजार रुकने का, वो टाइम सर आपके ऊपर है। उससे बड़ा अगर जाना है उसमें डेढ़ घंटा हमारा चलाने में लगेगा, तीन स्टॉप आएगा उसमें। अच्छो कहाँ जा रही हो? अगर आप सर जाओगे चार पॉइंट में। दोस्तों हम आ चुके हैं डल लेक पे और अभी जाने वाले हैं शिकारा के लिए। आप देख सकते हैं काफी बोट लगे हैं। अमूल दूध पीता है इंडिया। हाँ जी, अगर आपके आसपास फ्रेश दूध ना मिले तो अमूल दूध ही प्रीफर करें। हमने शिकारा ले लिया है और अब हम जाने वाले हैं शिकारा राइड पे। लोगों ने हमें बताया कि डल लेक के अंदर भी 7-8 पॉइंट हैं देखने के लिए, और इसके अंदर है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के बारे में मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। फ्लोटिंग मार्केट, जहां हम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि डल लेक में क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। फाइनली हमने शिकारा ले लिया है। कभी मैं शिकारे में सवारी नहीं की। बेटा साथ में रहो। क्यों पापा, मुझे वहाँ पर मत डालना। ये शिकारा चल पड़ी। कोई है कि नहीं साथ में? आ जा, जा इधर मजा आएगा। देखो देखो टकरा हो गया, टक्कर हो गया। अक्षु कहाँ चली गई? अक्षु दिखाई नहीं दे रही है। मजा आ रहा है अक्षु? वाह मस्त लग रहा है। थोड़ा स्पीड चल रहा था, अच्छा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं इधर काफी सारे होटल्स भी हैं रुकने के लिए। ये पहाड़ है सामने में, बिल्कुल प्यारा सा व्यू। और ये रहा एक साइड में बोट हाउस है काफी। आप यहाँ आके आराम से 2-3 दिनों के लिए होल्ड भी कर सकते हो, स्टे करने के लिए काफी अच्छा प्लेस है ये। ये सारे बोट हाउस है। वाओ, यहाँ पे फ्लोटिंग एटीएम भी आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ स्टे करते हैं तो आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ राइडिंग के साथ साथ हम शॉपिंग भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आपकी इंटरटेनमेंट का हर साधन का यहाँ ख्याल रखा गया है। आप राइडिंग के साथ साथ जूस भी पी सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ एंजॉय करने के लिए। कभी भी आपको मौका मिले तो आप जरूर आए कश्मीर घूमने के लिए। सचमुच यहाँ पे काफ़ी प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए और मैं बता नहीं सकती यहाँ पे कितना मजा आ रहा है। अभी वेदर भी काफी अच्छी है, धूप नहीं निकली आज यहाँ पे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी धूप नहीं है, बिल्कुल मस्त सुहाना सा मौसम है और हम कर रहे हैं एंजॉय। हमने शिकारा लिया यहाँ साथ साथ और एक बोट है शॉपिंग के लिए। देखिए मीना बाजार में आप घूमते हुए शॉपिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं यहाँ पे।
लोगों को आगे आगे दिखाती जाऊंगी कि क्या क्या है। कौन सा लेख है? डल लेक का एक पार्ट है ये, जिसे फार्म लेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक सीरियल आई थी गुल गुलशन गुल फार्म, उसकी शूटिंग हुई है। आप देख सकते हैं इस पहाड़ी पे, आप देख सकते हैं ये थोड़ा दूर पे है, थोड़ी दूरी पे है। इस पे आप देख सकते हैं, इस पे अकबर का किला है जिसके ऊपर ईगल उड़ रहा है वहां पे। ये है गुलफाम लेक, ये सारा एरिया गुलफाम लेक के नाम से जाना जाता है। वो उसे पूछ रही है, पंडुबी पंडुबी है बेटा वो, नहीं वो श्वान है, श्वान नहीं है बच्चा, वो पंडुबी है, बिल्कुल छोटू सा लग रहा है ना। वो बर्ड है बेटा, बर्ड है वो, तैरता भी है। देखो घुस गया ना वो पानी के अंदर, देखो चला जाता है वो पानी के अंदर, इसलिए उसका नाम है पंडुबी। देखना अभी कैसे अंदर चला जाएगा। ये रहा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो डल लेक पे पानी के ऊपर बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो डल लेक के ऊपर ब्रिटिश एरा में बनाया गया था, और आज भी इसमें सारे काम होते हैं। मतलब आज भी ये कंटिन्यू है, जब बना था तब से अभी तक। ये है नेहरू पार्क, ये डल लेक पे बिल्कुल बीचों बीच है। अभी हम कुछ देर के लिए यहाँ स्टे करेंगे और देखते हैं अंदर क्या क्या है करने के लिए। क्या चल रहा है इधर अक्षु? अच्छा अक्षु गूगल लगाने वाली है। देखो देखो इधर देखो। बाय मम्मा। Thank you.
फिशिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ मछली पकड़ रहे हैं बैठ के। और अच्छू भी काफ़ी एक्साइटेड है, वो भी चाह रही है कि मैं भी मछली पकड़ूं। और यहाँ आगे से स्टार्ट होती है फ्लोटिंग मार्केट, जहाँ हर तरह के आपको कपड़े मिलेंगे, बैग्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। अच्छी मार्केट है, आगे तो काफ़ी बड़ी बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ वेजिटेबल्स की भी फ्लोटिंग मार्केट है जो यहाँ के लोकल्स के लिए है। अभी हम जाने वाले हैं शॉपिंग के लिए और कुछ देखते हैं, कुछ अगर पसंद आ जाए तो शॉप करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी फ्लोटिंग मार्केट में आई हुई हूँ शॉपिंग के लिए। देखिए यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे साड़ी लगे हैं और मुझे लगता है हर तरह के ड्रेसेस हैं यहाँ पे। देखती हूँ अभी ऊपर चल के क्या क्या है। अच्छा बोट यूज करते हैं ना मार्केट जाने के लिए, फिर इधर से फिर घुस के इनका घर होगा ना। स्वान स्वान वो तो गर्ल्स है कंपनी में फोन। अच्छा ये ड्राई फ्रूट्स का शॉप है। अच्छा इधर आगे जाके फिर क्या है? नहीं नहीं छोड़ दीजिए, नहीं ये रहने दीजिए। अच्छा तो फिर इसमें खेती बाड़ी कैसे होगा, बाढ़ आ जाता है? अच्छा ये ऊपर को आ जाता है ना, फ्लोट है ना शिकारा। हाँ हाँ अच्छा अच्छा इसको बोलता है फ्लोटिंग गार्डन। Thank you.
आप सामने वाली सिकारा पे देख सकते हैं लोग कैसे डांस कर रहे हैं। आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों को यहाँ कितना मज़ा आ रहा है और ये कैसे आनंद उठा रहे हैं लाइफ का। देखिए आप सामने कैसे डांस चल रही है मज़े में। ये कौन सा प्लेस है अंकल? गोल्डन लेक। गोल्डन लेक। अच्छा अच्छा। और ये काफी बड़ा हाउस बोट लग रहा है ना दिखने में। अच्छा ये 5-star हाउस बोट है। ये देखो कितना लंबा। अच्छा शादियाँ भी होती है यहाँ पे? लोकल शादी भी होता है, वो घुमाता है बड़ा बोट में। ओके। अच्छा अच्छा मिशन कश्मीर इधर ही हुआ है शूटिंग। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को डल लेक का व्यू दिखाया और इस मैंने कोशिश की सारी चीजें कवर करने की जो भी चीजें इसके अंदर हैं देखने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो पसंद आई हो। उतना ही तो घुमाया। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। कंप्लीट हो गई हमारी सिकारा की राइडिंग, काफी मजा आया, हमने काफी मस्ती की है इसमें और बहुत अच्छा रहा, एंजॉयमेंट काफी हुई, काफी अच्छी मेमोरी। अच्छा लगा, अक्षु ने भी काफी एंजॉय किया। बेटू एंजॉय किया तुमने? अक्षु को आइसक्रीम खानी है तो अब हम जाने वाले हैं कुछ खाने पीने। अब फिर से मैं कोशिश करूंगी कुछ अच्छे प्लेसेस में विजिट करने की और कवर करने की। और मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।